वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑन तुगलक बाय गिरीश दिस इज द थर्ड वीडियो परटेनिंग टू द प्लॉट ऑफ द प्ले गिरीश कर्नाड द्वारा रचित नाटक तुगलक के प्लॉट कंस्ट्रक्शन पर आधारित इस तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है द प्लॉट ऑफ द प्ले इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डिटेल्स एज वेल एज लिटरेरी एडेप्टेबिलिटी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इज गुड एंड ईवल एट द सेम टाइम वी सी दैट वी टेक द प्लॉट ऑफ द प्ले From historical details, what history has given to us, we are molding our character on those facts. So, the writer, the playwright Girish Karnad, too, has taken the details that history has provided us and he has given it a literary adaptability. हैज मोल्डेड दोज थिंग्स इन टू लिटरेचर तुगलक के प्लॉट के इस भाग में सबसे पहले हम अपना ध्यान इस तथ्य की तरफ ले जाते हैं कि जो कुछ भी यहां लिखा जा रहा है वो इतिहास से मिले हुए तथ्यों पर आधारित है और उन तथ्यों को साहित्यिक स्वरूप में ढाला गया है क्योंकि फोर्टींथ सेंचुरी का यह नाटक है और उस समय रिकॉर्डेड वर्जन चीजों का नहीं उपलब्ध होता था इसलिए बहुत कल्पना बहुत इमेजिनेशन के ऊपर इस प्लॉट को बेस किया गया है सुल्तान तुगलक इज गुड एंड इविल एट द सेम टाइम Now, because a man of opposites, we have seen him, we have seen him complex personality, we have seen him being called as a, a controversial personality. So, we see that Sultan Tughlaq is branded or is coined in this manner because this is how uh, this is the type of detail that exists in the historical facts. सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को कंट्रोवर्शियल या गुड एंड इविल एट द सेम टाइम या कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी इस तरह के शब्दों में जब गढ़ा गया है तो उसका कारण ये है कि इतिहास ने हमें उनके बारे में जो विवरण दिया है या विभिन्न स्रोतों से जो विवरण हमने पाया है वो इसी तरह का है लुकिंग टूवर्ड्स द अदर फेसेट ऑफ द हीरो वी फाइंड दैट ही इज फैसिनेटिंग Because though he was one of the most learned monarchs of Delhi and had great ideas and a grand vision, his reign was also a miserable failure. Now, when we look towards the other side of the hero's personality or the way he ruled Delhi, we find that on the one hand, he was very, very learned, he was very intelligent. He had great ideas. He had great vision. In spite of all this, the uh, reign, the time when he ruled, was very miserable. जब हम देखते हैं कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का व्यक्तित्व कैसा था तो वो बहुत बुद्धिमान दर्शाए गए हैं उनके आइडियाज उनका सोच उनका चिंतन बहुत अच्छा बहुत उच्च स्तर का था उनका जो विजन था जिस तरह की कल्पनाएं वो करते थे वो बहुत ऊंचा था लेकिन उसके बावजूद उनका शासनकाल बहुत ही मिजरेबल रहा बहुत ही दयनीय रहा बहुत ही अवसादपूर्ण रहा ही स्टार्टेड हिज रूल विद ग्रेट आइडियल्स Of a unified India of Hindus and Muslims being equal in the eyes of the state. Now, when Sultan Tughlaq began his rule, he had the idea of unified India. He had a concept that India should be one. And for that reason, ड्रेंट ऑफ यूनिफाइड इंडिया ऑफ इंडिया एज वन सिंगल बॉडी सुल्तान का शासन काल जहां शुरू होता है वहां पर एक भारत पूरा भारत एक है और उसमें हिंदू और मुस्लिम के बीच में कोई अंतर नहीं है ऐसा उनका विजन था ऐसा उनका जो कॉन्सेप्ट था उसके आधार पर उन्होंने अपना शासनकाल शुरू किया था टू दिस एंड एबॉलिश दर्डन टैक्स जजिया ऑन द हिंदूज इसी लिए सुल्तान ने जो हिंदूज के ऊपर एक बहुत बड़ा कर लगाया गया था जजिया कर वो कर भी हटा दिया था ताकि हिंदू वर्सेज मुस्लिम का जो डिफरेंस था वो डिफरेंस खत्म हो जाए वो तुलनात्मकता खत्म हो जाए और सब एक होकर के रह सके या एक टर्म्स ऑफ इक्वालिटी ऑन टर्म्स ऑन अ प्लेटफॉर्म विच मेक्स गिव्स अ इक्वल पेडेस्टल टू एवरीबडी ही वांटेड टू प्लेस द कंट्री ऑन दैट पेडिस्टर सुल्तान हिंदू और मुस्लिम के अंतर को मिटाकर पूरे भारत की जनता को एक मंच पर एक स्तर पर खड़ा करना चाहते थे It is also noteworthy about Tughlaq that he understood the value of money as not deriving from its intrinsic worth but from the promise behind it and introduced copper coins. Now, another concept that Tughlaq introduced was that money does not have its value in the content or in the a physical value that it holds. It is the promise behind the value of the money. That is a note of one rupee means one rupee, whether it is made of gold. And a note of thousand rupees means a thousand rupees, even if it is of made on a plain paper. so it is the value that stands behind the promise that the currency provides. so that is why he provided the copper coins. Tughlaq ने एक और concept बताने की कोशिश की कि जो currency होती है, जो हमारी exchange करने का धन दौलत को जो तरीका था उस तरीके में सबसे पहले हमने जो करेंसी यूज की थी वो उस करेंसी की वैल्यू उसके जिस मेटल पे वो घड़ी हुई या जिस कागज पे वो घड़ी हुई है वो नहीं थी वो उसके पीछे जो वो प्रॉमिस करता है कर, जो करेंसी जिस तरह से वो जिस वैल्यू को प्रॉमिस करती है वो वैल्यू इंपॉर्टेंट है इसीलिए उन्होंने कॉपर के सिक्के इंट्रोड्यूस किए Yet, in 20 years of his reign, he has degenerated into an anarchy and his kingdom had become a kitchen of death. Girish Karnad's play explores why this happened. Now, the king or the sultan has been shown as an intelligent person, having idealistic views, having a great vision. and doing certain things because he is a man of action still he failed miserably and his kingdom became a kitchen of death hum dekhte hain sultan ke patra ko jis tarah se banaya gaya tha बहुत बुद्धिमान थे विवेकशील थे कल्पनाशील थे आदर्शवादी थे बहुत बड़े विजन को लेकर के चल रहे थे उसके बावजूद उनका शासनकाल बहुत ही हीबल uh, था अवसादपूर्ण था ये गिरीश कर्नाड ने इस प्ले में बताने की कोशिश की है कि घटनाक्रम क्या था और किस कारण से ये सारी बातें इस तरह से निकल करके हुई जिस तरह से हमारे सामने तुगलक का शासनकाल आया है The play was immensely popular at the time it was produced in 1964. It showed signs of contemporary relevance. Now, when the play came out in 1964, it showed a lot of relevance to the rule of that time. 1964 में जिस तरह का शासन काल जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हमारे देश में भारतवर्ष में चल रही थी वही वहां उस समय के तुगलक वाले समय से मैच करती हुई महसूस होती थी इसलिए कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस समकालीन सार्थकता उसमें दिखाई देती थी इंडिया हैड विद इन द सेम स्पैन ऑफ नियरली ट्वेंटी डिसेंडेड फ्रॉम अ स्टेट ऑफ आइडियलिज्म टू डिस एल्यूजनमेंट एंड सिनिसिज्म And hence the play found a chord that resonated in the mind of many people at that time. Now, almost 20 years of time span that India had faced was quite similar to what we see in Tughlaq's reign. That is why we find.

सच लोगों के सामने आने लगा था एंड हेस द प्ले फाउंड अ कॉर्ड दैट रेजोनेटेड इन द माइंड ऑफ मेनी पीपल एट दैट टाइम दिस इज द रीजन वाई पीपल वर रेडी टू टेक इन दिस प्ले वाई पीपल ग्रीटेड दिस प्ले बिकॉज दे फाउंड इट ऑफ कंटेम्परे रेलिवेंस क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम उस समय के भारत में घटना, घट रहे राजनीतिक घटनाक्रम से मेल मेल खाता हुआ था इसलिए लोगों को दोनों में बहुत समानता दिख रही थी और उन्हें लग रहा था कि ये बिल्कुल आज के भारत की ही कहानी है द इश्यूज पोज बाय प्ले रिमेन रेलिवेंट इवन टूडे नॉट ओनली इन अ पॉलिटिकल सेंस बट ऑल्सो फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी इन जनरल नाउ वट वी फाइंड इन द फोर्टीन सेंचुरी मोर और लेस द सेम थिंग प्रिवेल्ड इन द पोलिटिकल सीन द सोसाइटी ऑफ नाइनटीन सिक्सटी फोर वो सारी की सारी चीजें जो उस समय देखी गई थी वो अभी भी देखने को मिल रही थी और केवल राजनीति में देखने को नहीं मिल रही थी वो अलग अलग संगठनों में देखने को मिल रही थी समाज में देखने को मिल रही थी हर तरफ ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आज ही के परिपेक्ष में ये सारी बातें लिखी गई हैं बस नाम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का है और समय फोर्टींथ सेंचुरी का लिया गया है अस सी द एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ द वीडियो आइए इस वीडियो को देखने और समझने के लिए कुछ शब्द और वाक्यांश देखते हैं एडेप्टेबिलिटी एडेप्टेबिलिटी मीन्स फिट टू एडजस्ट इट इज अ फीचर ऑफ अ सिस्टम और ऑफ अ प्रोसेस इन एकोलॉजी यूज वेरी ऑफन फॉर एडजस्टमेंट एडेप्टेबिलिटी हैज बीन डेस्क्राइब एज द एबिलिटी टू कोप विद अनएक्सपेक्टेड डिस्टरबेंसेस इन द एनवायरमेंट अनुकूलन क्षमता जब वातावरण में कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति खड़ी हो जाती है तो एक्लॉजिकल स्टेज पर जीव जंतु पेड़ पौधे ये सब के सब उस वातावरण के अनुकूल ढलने लगते हैं यही एडेप्टेबिलिटी यही अनुकूलन क्षमता यहां पर इस नाटक में प्लॉट में रखी गई है फेसेट वन पार्ट और पर्टिकुलर आस्पेक्ट ऑफ समथिंग किसी वस्तु का एक अंश या विशेष पहलू फैसिनेटिंग एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव और शामिंग कैप्टिवेटिंग अनुकूलन क्षमता आकर्षक मोहक मोनाक अ किंग और क्वीन राजा या रानी शासक या अधिपति विजन अ पिक्चर इन योर इमेजिनेशन कल्पना में बना चित्र मानसिक प्रतिबिंब आकृति या मनोरूप रीन टू रूल अ कंट्री राजा या रानी का किसी देश पर शासन करना मिजोरेबल अनप्लेजेंट मेकिंग यू फील अनहैपी अप्रिय खिन्न कर देने वाला यूनिफाइड टू ज्वाइन separate parts together टू मेक वन यूनिट और टू मेक देम सिमिलर टू ईच अदर अलग अलग अंशों को मिलाकर एक कर देना या उन्हें एक जैसा कर देना एबॉलिश टू एंड अ लॉ और सिस्टम ऑफिशियल किसी कानून या प्रथा पर को एकाधिकारिक रूप से समाप्त कर देना किसी कानून या प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त करना एबॉलिश जजिया द जजिया और जिजिया टैक्स हैज बीन अंडरस्टूड इन इस्लाम As a fee for protection provided by the Muslim ruler to non Muslims, for the exemption from military service for non Muslims, for the permission to practice a non Muslim faith with some communal autonomy in a मुस्लिम स्टेट एंड एज मेटीरियल प्रूफ ऑफ द नॉन मुस्लिम सबमिशन टू द मुस्लिम स्टेट एंड इट्स लॉज जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम जनता से वसूल किया जाता है इस्लामी राज्य में केवल मुसलमानों को ही रहने की अनुमति थी और यदि कोई गैर मुसलमान उस राज्य में रहना चाहे तो उसे जजिया कर देना होगा इसे देने के बाद गैर मुस्लिम लोग इस्लामिक राज्य में अपने धर्म का पालन कर सकते थे इंट्रेंसिक बिलोंगिंग टू समथिंग एज पार्ट ऑफ इट्स नेचर बेसिक किसी वस्तु की प्रकृति का अंतरंग मूलभूत डीजेनरेट टू बिकम वर्स लोअर इन क्वालिटी एटसेट्रा किसी स्थिति में गिरावट आना हैविंग मॉरल स्टैंडर्ड्स दैट हैव फॉलन टू अ वेरी लो लेवल चरित्रहीन भ्रष्ट अथवा पतित तुगलक का शासनकाल डिजेनरेट हुआ था द रूल ऑफ तुगलक विज्ञान विद आइडियलिज्म विज्ञान विद अ ड्रीम ऑफ अ यूनिफाइड इंडिया बट लेटर ऑन इट डी जेनरेटेड इन टू टायरेनी डिक्टेटरशिप एंड द लाइव ऑफ पीपल वॉज वेरी मिजरेबल यहां पर डी जनरेशन को तुगलक के शासन काल के संदर्भ में देखा जाता है जहां तुगलक का शासनकाल आरंभ हुआ था एक आदर्श और एकीकृत भारत के रूप में जहां सबके सुख की कल्पना की गई थी जहां सब में एकता की कल्पना की गई थी इस स्वप्न के साथ इस कॉन्सेप्ट के साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना शासन शुरू किया था लेकिन जब इसका डी हुआ जब इसका पतन हुआ तो लोगों की स्थिति ये थी कि जनता में त्राही त्राही मची हुई थी बहुत लंबे समय तक तुगलक के अत्याचार जनता ने सहे थे और अंत में जनता भी बेहद दुखी हुई और तुगलक का स्वयं का अंत भी अवसाद पूर्ण रहा इसलिए इस शासनकाल को डी जेनरेशन वाले कॉन्सेप्ट में समझा जा सकता है एनआर की अ सिचुएशन इन विच पीपल डू नॉट ओबे रूल्स एंड लॉज। अ सिचुएशन इन विच दे इज नो गवर्नमेंट इन अ कंट्री Anarchy is where people refuse to obey rules. They will not, in any case, surrender before the wishes of the ruler. This was the anarchic condition that finally came forward in the, towards the end of Muhammad bin Tughlaq's rule. Shasan Hinta ki sthiti राजकता ये वो स्थिति होती है जब जनता शासक के किसी भी आदेश को मानने से इनकार करती है और वो किसी भी नियम कानून को महत्व न देते हुए हर कानून को तोड़ने की हिमाकत करती है ऐसा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया था और ऐसा हमारे नाटक के प्लॉट में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट के रूप में भी पाया जाता है कंटेम्परेरी बिलोंगिंग टू द सेम टाइम एज समबड़ी समथिंग एल्स समकालीन समकालिक ऑफ द प्रेजेंट टाइम मॉडर्न इसी समय का वर्तमान कालिक अथवा आधुनिक कंटेम्प्रेरी समकालीन जब एक ही समय का होता के लोग होते हैं एक ही समय की घटनाक्रम होता है उसको कंटेम्प्रेरी कहा जाता है समकालीन कहा जाता है डिसूजनमेंट अ फीलिंग ऑफ Disappointment resulting from the discovery that something is not as good as one believed it to be. Disillusionment means that you think that something will turn out to be good, but in fact, it turns out to be. The opposite of what you had perceived it in the beginning. Disillusionment का मतलब है मायाजाल का टूटना मोह भंग या भ्रम का टूटना अर्थात जब हम किसी स्थिति के बारे में प्रारंभ में सोचते हैं कि यह बहुत अच्छी निकलेगी या इसका फाइनल आउटकम फाइनल परिणाम बहुत अच्छा निकलेगा लेकिन वैसा नहीं निकलता है वहां हमारा मोह भंग हो जाता है डिसइल्यूजनमेंट होता है सिनिसिज्म, सिनिसिज्म इज द फीलिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट और दैट समथिंग इज इंट गोइंग टू वर्क आउट वेल मानव व नक चढ़ापन रेजोनेट टू मेक अ डीप क्लियर साउंड दैट कंटिन्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम स्वर उपकरण आदि जो गहरी स्पष्ट और गुंजायमान ध्वनि उत्पन्न करता है टू बी फिल्ड विथ साउंड टू मेक अ साउंड कंटिन्यू लॉन्ग किसी स्थान का आवाज से भर जाना ध्वनि को गुंजायमान कर देना री कैप्चर टू विन बैक समथिंग दैट वॉज टेकन फ्रॉम यू बाय एन एनिमी और अ कॉम्पिटिटर शत्रु या प्रतिस्पर्धा द्वारा कब्जा की गई वस्तुओं को पुनः प्राप्त कर लेना दिस वॉज द थर्ड वीडियो ऑन द प्लॉट ऑफ The play Tughlaq. Some elements were discussed in the first video, then the rest of the elements were discussed in the second video, following which we have discussed some elements in the third video, and we have the fourth video as well. So, the प्लॉट कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटली स्टडीड इन फोर पार्ट्स दैट इज फोर वीडियोस काइंडली सी ऑल द फोर वीडियोज नाटक तुगलक के प्लॉट कंस्ट्रक्शन को हमने अलग अलग भागों में बांटा है कुछ तथ्य वीडियो नंबर वन में देखने को मिले उसके बाद वाले दूसरे वीडियो में रखे गए हैं फिर तीसरे वीडियो में कुछ हिस्सा हमने अभी शेयर किया है और उसके बाद चौथे वीडियो में भी कुछ अंश हमें देखने को मिलेगा इस प्रकार तुगलक नाटक के प्लॉट कंस्ट्रक्शन को हम चार वीडियोस में पूर्णतया समझ पाएंगे इसलिए आप चारों वीडियोस ध्यानपूर्वक देखें थैंक यू धन्यवाद